नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज सेकंड फेज की वोटिंग में नीतीश कुमार का बहुत कुछ दांव पर है। बड़े बड़े नाम सुबह से लगातार वोटिंग कर रहे हैं। आज दोपहर में पटना से सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर नीतीश सरकार बनने का भरोसा जताया और कहा कि बिहार में एनडीए को निर्णायक बहुमत मिलेगा। रविशंकर प्रसाद ने चिराग पासवान पर भी अटैक किया और कहा कि चिराग से उनका कोई रिश्ता नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद वोट डालने पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि पहले चरण में मुकाबला थोड़ा कांटे का माना जा रहा था, दूसरे और तीसरे चरण को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, चरण की बात तो आप कहिए, आप लोग घूमते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं बिहार में। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मुद्दा सिर्फ दो है, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए या विकास चाहिए, या फिर अपहरण का राज चाहिए, असुरक्षा चाहिए और अपराध चाहिए। यही सिंपल मामला है। लेकिन रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है विपक्ष, आरजेडी। रोजगार की मैं बात अभी करता हूँ आपसे। आप तो हमारे पटना के बहुत प्रामाणिक निवासी हैं, बहुत देखा है। यहाँ लालू जी के राज में पटना में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था, याद है ना आपको? कितनी दुकानें लूटी थी, कितने गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियां छीनी गई थी, ये लोगों ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। वहीं चंद्रिका राय लालू यादव के समधी जेडीयू से चुनावी मैदान में हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं चंद्रिका राय।